نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उन्होंने अंदर अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख्वाब मन दस्साहा ओ बंदा कामयाब हो गया है जिसने अपना दिल पाको साफ कर लिया है अपने दिल की इस्लाह कर ली है जिसने अपने दिल नू तमाम किस्म दिया गुनाह दिया आलूदगियां तू महफूज रख लिया है वह बंदा कामयाब हो गया है वकद ख्वाब मन दस्साहा ओ बंदा नाकाम हो गया है जिसने अपना दिल बिगाड़ लिया है जिन्हें अपने दिल नू गुनाहां दी दल दल दे अंदर फंसा लिया है वह बंदा नाकाम हो गया है। अज दा उनवाने सुखन कि अपने दिल दी इसलाह करो इस दी बड़ी जरूरत है क्योंकि कीमती शै हीरा मोती जवाहरात हमेशा जोहरी एक ऐसी तजोरी च रखता है जिस के अंदर वो उस हीरे जवाहरात नु समझदा कि सब नालों ज़्यादा महफूज रहेगा। बिला तशबीह और तमसील इंसान का जड़ा दिल है अल्लाह तबारक व ताला ने इस दिल नू सब नालों कीमती चीज़ ईमान का मरकज और महवर बनाया है क्योंकि तारीफ ईमान मुजमल के अंदर भी असी इकरार जड़ा करने वो जुबान तो आता है लेकिन तस्दीक दिल तो आती है यानी इंसानी दिल ईमान का मरकज है ईमान का महवर है इसका ठिकाने जिसका दिल जितना पाक साफ है उदा ईमान उन्हें उतनी रोशनी अता करेगा जिसने जितना दिल गुनाहां दी आलूदगी दे नाल पुर कर लिया है उसनों ईमानी लज्जत महसूस नहीं होएगी और जड़ा बंदा अपने दिल नू बिगाड़ लवे खराब कर ले जिस वक्त दिल खराब हो जाए इसका सब नाल वड्डा नुकसान की है कि बंदे ते वाज़ो नसीहत असर नहीं करता फिर इसका नुकसान है वे बंदे नू खौफे खुदा नहीं होंदा जिस दी वजह ती बंदा माजी दे कीते गुनाहां नू याद नहीं करता अगर याद कर भी ले तौबा दी तरफ नहीं जांदा लेकिन जड़ा दिल साफ होवे पाक होवे
वो दिल नरम भी होता है, वो दिल वाज़ो नसीहत नूं भी कबूल करता है, वो दिल अगर उदे कोलों कोई बतकाज़ा बशरीयत कोई गलती कुताही गफलत मामलात के अंदर हो चाहे वह हुकूकुल्ला होवन चाहे हुकूकुल इबाद के होवन वह बंदा तौबा की तरफ चला जाता वे। अल मुख्तसर दिल नूं पाक करना रब नूं बड़ा महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। जिस दिन ना बंदे नूं कोई मालो दौलत ना औलाद काम आवेगी, लेकिन उस दिन उस बंदे नूं जिहड़ी चीज़ काम आवेगी यानी क्यामत दा दिन, क्यामत दा दिन नफसा नफसी दा है। बंदा कोई मालो दौलत दे उत्थे दे के अपने मामलात हल नहीं करवा सकता, औलाद अपने वालदैन तो दूर होगी, वालदैन औलाद तो दूर हो गए, सिर्फ एक शर्त ही आपस मिलन गए अगर दोवे घर परहेजगार होए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। क़यामत वाले दिन बाज जड़े दोस्त इस दुनिया के होंगे अगरचे जिगरी दोस्त होए लेकिन वो दुश्मन हो जाएंगे, सिर्फ जड़े परहेजगार दोस्त होए ना आपस में वो उस दिन भी एक दूजे का ख्याल करेंगे। इस वास्ते अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया जड़ा बंदा रब की बारगाह विच कलबे सलीम लैके आ गया वह कामयाब हो गया। कलबे सलीम केड़ा कलबे जड़ा अपने आप नूं गुनाहां तों पाक करके रब की बारगाह विच पेश होया वो बंदा कामयाब हो गया। और हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यन्ज़ुरु इला अजसामिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यन्ज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम के अल्लाह करीम ना तो तुहाडे मालो दौलत की तरफ देखेगा इहदे कोल कितना मालो दौलत है, ना ही तुहाडे जसामत वालू वेखेगा ये बंदा कितना ताकतवर है जिसमानी लिहाज नाल, लेकिन अल्लाह करीम तुहाडे दिलां की तरफ देखदा है, तुहाडे अमलां की तरफ देखदा है कि किस दा कितना दिल पाकीज़ा और साफ है और किस दे कितने अच्छे अमल ने। अल्लाह करीम उस बंदे वाल नज़र रहमत फरमांदा वे। और जड़ा बंदा अपने आप नूं दिल दे अंदर गुनाहां दा बोझ लै के रखेगा तौबा नहीं करेगा वो अल्लाह दी रहमत तो दूर है। इसे तरह हजरत सय्यदुना नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला व इन फिल जसद मुदगा। सुन लो लोगो बेशक जिस्म के अंदर एक गोश्त दा लोथड़ा है। इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लु जिस वक्त तो गोश्त दा लोथड़ा दुरुस्त हो जाए सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु जिस वक्त तो गोश्त दा लोथड़ा खराब हो जाए सारा जिस्म खराब हो जाता वे। नबी करीम अलैहि सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया अला वहीयल कल्ब अला वहीयल कल्ब अला वहीयल कल्ब तीन बार इरशाद फरमाया ओ गोश्त दा लोथड़ा दिल ले, ओ गोश्त दा लोथड़ा दिल ले, ओ गोश्त दा लोथड़ा दिल ले। जिस वक्त दिल किसी ने पाको साफ कर लिया वो बंदा कामयाब हो गया, और जिन्हें पाको साफ ना रखिया वो नाकाम हो गया। और केड़िया चीज़ा इंसान के दिल को खराब कर दिया ने वो चंद तुहाडे सामने जिक्र करनिया ने, और जड़िया चीज़ा इंसान के दिल को साफ कर दिया ने पाक कर दिया ने फिर वो तुहाडे सामने जिक्र करनिया ने। सब नालों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी है इय्याक व कसरत दहिक फइन्नहु तुमीतुल कल्ब। ए लोगो ज़्यादा हंसने नू अपने आप नू बचा के रखो, ज़्यादा हंसन तू अपने आप नू बचा के रखो। क्यों?
क्योंकि ज्यादा हंसना तुहाडे दिल नूं मुर्दा कर देगा। अगे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया और ज्यादा हंसना व युज़हिबु बिनूरिल वज्ह बंदे दे चेहरे की रौनक भी खत्म कर देता वे। असी ये आम मामलात के अंदर मस्जिद के अंदर ना बैठे होइए, आम महफल च बैठे हुए उस वक्त भी सख्त हंसने तो मना किया गया है। और जड़ा बंदा फिर मस्जिद के अंदर हंसदा है उसका दिल कितना खतरनाक सतह पर मर चुका होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दहिकु फिल मस्जिदी ज़ुल्मतुन फिल कबर। जड़ा बंदा मस्जिद के अंदर खिलखिला के हंसदा कि कबर के अंदर उसनू अंधेरा ही मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी। यानी एक सबब उच्ची आवाज़ नाल हंसना आम मजलिस के अंदर इंसान का दिल मुर्दा बना देता है, तो जे असी मस्जिद के अंदर हंसीए तो फिर कितना दिल मुर्दा होएगा। जिस वक्त दिल मुर्दा हो जाए वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा सबब कि जिस वक्त बंदा गुनाहों की दल दल के अंदर फंस जाता है उस वक्त भी इंसान का दिल ऐसी सतह पर बिगड़ चुका होता है कि वह नाकाम लोगों में चला जाता वे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बंदा मोमिन एक गुनाह करता है उसके दिल से एक सियाह नुकता लग जाता है। अगर वह तौबा कर ले, इस्तिगफार कर ले, उस वो गुनाह वाला नुकता धो दिता जाता है, वह जंग खत्म कर दिता जाता है। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा बार बार गुनाह करता रहे उसके नुकते बदते बदते पूरा दिल स्याह हो जाएगा। और जिस वक्त पूरा दिल स्याह हो जाए तो इस बारे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम इरशाद फरमाया कल्ला बल रौन अला कुलूबिहिम। ए ओ लोग ने जिन्होंने नसीहत कभी भी असर नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इन्हों के दिलों से जंग चढ़ चुका है। और जंग चढ़िया क्यों है? बिमा कानू यकसिबून, जेड़े ये भैड़े काम करते सन उन्होंने सबब इन्हों के दिलों से जंग लग चुकी है। और जिस वक्त दिल जंग आलूद हो जा फिर बंदे का दिल फसाद की तरफ चला जाता है। और एक होर मामला हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गाना सुनना, गाना गाना, टोल वाजियां ने मामलात करने, म्यूजिक सुनना, फहश गुफ्तगू सुनना, ये तुहाडे दिल के अंदर इस तरह मुनाफकत पैदा कर देगा जिस तरह पानी खेती नूं लाइए तो खेती उग जाती है। यानी लहवो लाइब दे काम फहश मंजर वेखने, गाना सुनना या खुद गाना गाना ये इंसान के दिल नूं मुनाफक बना देता है। और मुनाफिक का दिल सीधी गल कबूल नहीं करता। और इस तरह अगर कोई बंदा अपने आप नूं ऐसे मामलात विच लै जाए कि वह बंदा यतीमां दा हक खाए, मिसकीनां नूं खाना ना खवाले, तो उहदा दिल सख्त हो जाता है। क्योंकि एक शख्स ने नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की बारगाह च आके शिकायत की या रसूल अल्लाह मेरा दिल सख्त हो चुका है, कुछ इरशाद फरमाओ। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा अरदता अन तलीना कल्बुका अन तलीना कल्बका। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया अगर तू चाहे तेरा दिल नरम हो जाए तो दो काम कर। केड़ा केड़ा? नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया वमसह रअसल यतीम, यतीम दे सिर ते शफकत दा हाथ रख।
दूसरी चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वह अतइमिल मसाकीन मिसकीना नु खाना रब की रजा वास्ते खिला तेरा दिल नरम हो जाएगा। यानी दिल गुनाहों की वजह से बिगड़ जाता है, सख्त हो जाता है। दिल गाना 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 सुनना लहव लईब के मामलात करना इस दी वजह से सख्त हो जाता वे बिगड़ जाता है। इस तरह कसरत दहिक यानी उच्ची आवाज़ नाल हंसना दिल नूं मुर्दा बना देता और बंदे दे चेहरे की रौनक नूं खत्म कर देता वे। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इलाज भी इरशाद फरमाए ने कि इस जंग जदा दिल कदन पाक साफ हो गए इन्हां नूं दुरुस्त करन दे तरीके की ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह पानी लोहे नू लगे उन्हूं जंग और जंगाल लग जाता है, इसे तरह दिल भी जंग वाले हो जाते हैं, जंगाल वाले हो जाते हैं। अर्ज़ किया गया वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, ये दिल किवें साफ होवणगे? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौत, मौत नू कसरत दे नाल याद करना। और दूसरा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक नू कसरत दे नाल पढ़ना। मुहद्दिसीन फरमाते ने एक नसीहत होती है खामोश नसीहत, एक होती है जिहड़ी बकायदा तुहानू बोल के नसीहत की जाती है। तो मुहद्दिसीन फरमाते ने इत्थे दोवे किस्म दीयां नसीहतां ने, क्योंकि मौत बंदे नू खामोश नसीहत करती है। जिस वक्त कोई बंदा किसी जनाजे पर जाता है तो वह जनाजा उसनू खामोश अंदाज नसीहत कर रहा होता है, ए इंसान अज मैं चला आया वा दुनिया तू, तू भी एक ना एक दिन आ जाना है। जिस वक्त बंदा यह सोचता है तो बंदा रब का अगर खौफ अपने अंदर पैदा कर ले तो अपने गुनाहों तो तौबा कर लैंदा है, ऐवे खामोश नसीहत है। और दूसरा कुरान पाक क्योंकि अल्फाज की सूरत है, वह पढ़िया जाएगा सुनिया जाएगा ओवे बोलने वाली नसीहत है, कि कुरान भी कहता है ए बंदे रब की बारगाह च झुक जा। और बंदे का दिल कदन साफ होता है जदन बंदा रब को दुआ करके दिल नू दीन ते साबित कदम रखन दी बार रब तबारक व तआला दी बारगाह विच इल्तिजा करे, उस वक्त भी बंदे का दिल दुरुस्त रहता है। क्योंकि हजरत सईदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप नू एक शख्स ने आके पूछया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आप को तशरीफ फरमा होते सन तो कसरत नाल केड़ी दुआ करते सन? नबी करीम हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम दुआ करते सी या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों नू फेरन वाली जात ए खुदावंद तआला मेरे दिल नू अपने दीन ते साबित कदम रख। यानी सानू नबी ओ ने जिहड़े गुनाहों तों पाक ने उन्हां दा दिल हर वक्त दीन ते साबित कदम है। जिस वक्त ओ भी दीन ते साबित कदमी दी दुआ कर रहे ने ते अपनी उम्मत नू तालीम दे रहे ने कि तुसीं ज़्यादा हकदार हो रब दी बारगाह च दुआ करन दे, कि ये दुआ करो या अल्लाह साडे दिलां नू भी अपने दीन ते साबित कदम रख। और इस तो इलावा इंसान दा दिल किस वक्त तंदुरुस्त रहिंदा है? जिस वक्त उहदी मजलस अच्छी होवे। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मरअ अला दीन खलीलिही, बंदा अपने दोस्त दे दीन ते होंदा है, फल यंजुर तुहानू चाहीदा है कि वेख लवे फल यंजुर अहदकुम मन युखालिल, तुहाडे च हर बंदा गौर फिक्र करे वह किनू दोस्त बना रहा है, अच्छे बंदे नू दोस्त बना रहा है या बुरे बंदे नू दोस्त बना रहा है? अच्छे बंदे नू दोस्त बना रहा है तो इहदा दिल दुरुस्त रहेगा, बुरे बंदे नू दोस्त बना रहा है तो इहदा दिल खराब हो जाएगा। और यह नहीं कि सिर्फ इंसान ही अजकल दोस्त ने, बल्कि अजकल सब नालों ज़्यादा इंसान की मजलिस वो इंटरनेट नाले सोशल मीडिया नाले दीगर इस तरह के मामलात नाले अगर वो इंसान ने दुरुस्त इस्तेमाल किए उदा दिल साफ रहेगा।
अगर उन्होंने गलत इस्तेमाल किया तो उस मजलस का असर यह होगा कि इसका दिल खराब हो जाएगा। अल मुख्तसर बंदे नूं ये दुआ करदे रहना चाहिए है, या अल्लाह करीम साढ़े दिलों को पाको साफ कर दे, साढ़े दिलों में इखलासो लिल्लाहियत अपनी मुहब्बत, अपने अंबिया की मुहब्बत, सहाबा इकराम अहले बैत इतहार की मुहब्बत पैदा कर। या अल्लाह साढ़े दिलों को मुत्तकी बना, साढ़े दिलों में इसार इसार वाला जज्बा पैदा फरमा। या इलाही खौफो खशियत साढ़े दिलों में पैदा फरमा, यकीन नाजिल फरमा, तवक्कुल नसीब फरमा, और इन बीमारियों तो या अल्लाह साढ़े दिल को महफूज रखी। हसद, कीना, बुगज, नफरत, तकबर, नखबत, ये जितनिया बीमारियां ने, बुखल, इन तो साढ़े दिल को पाक और साफ करी। जिस वक्त अल्लाह करीम किसे बंदे को इन बातनी बीमारियों तो पाक और साफ कर देगा, उस बंदे के दिल की इसलाह हो जाएगी। अल्लाह करीम साढ़े दिलों उन्हां लोगों के दिलों की तरह कर दे जिन्हों अल्लाह करीम ने कामयाब फरमाया है, और उन्हां लोगों के दिलों की तरह ना करे जिन्हों अल्लाह करीम ने नाकाम किया वे। अल्लाह करीम सानू दीने इस्लाम का फहम नसीब फरमाए, और सबनों हमेशा वास्ते बेहिसाब जहन्नम तो आज़ादी नसीब फरमाए, क्योंकि ये अशरा जो ख़त्म हो रहा है ये अशरा नजात सी, और इसकी दुआ मुहद्दिसीन ने फरमाया अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सी, या अल्लाह सानू जहन्नम दी अग तू बचा के रख। अल्लाह करीम साड़ी कामिल बख्शिश और मगफरत फरमाए, अल्लाह करीम दीने इस्लाम का फहम नसीब फरमाए, और उसके मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।